राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर के एक राजनीतिक माहौल उत्तर प्रदेश में बना है। आप एक सीनियर लीडर हैं, कल आप जो एनडीए की प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके सम्मान में जो भोज दिया गया था मुख्यमंत्री आवास पर, आप उसमें भी गए थे, आप पूरे उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम बहुत पहले बोल चुके थे कि जहां हमें बुलाया जाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा, तो हम उसको वोट करेंगे। तो आपको जानकारी होगी कि इससे पहले भी चुनाव हुआ था, तब भी समाजवादी पार्टी ने हमसे न तो बुलाया न हमसे वोट मांगा। जब किसी ने वोट नहीं मांगा तो रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने उस समय हमसे दो बार वोट मांगा। मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे उस समय वोट मांगा। तो जब समाजवादी पार्टी ने न बुलाया न मुझसे वोट मांगा, तो फिर हमने जिसने वोट मांगा, मुख्यमंत्री जी ने वोट मांगा, रामनाथ जी को कोविंद जी ने वोट मांगा, द्रौपदी जी ने, मतलब हम द्रौपदी मुर्मू जी तो फिर अभी हमें मुख्यमंत्री जी ने कल निमंत्रण दिया तो मैं गया, और हमारी भेंट द्रौपदी मुर्मू से हुई। तो अब हमने तय कर लिया है कि हम वोट द्रौपदी मुर्मू को देंगे। तो हम ये कह सकते हैं, ये क्या राजनीतिक, आपको क्यों लगा कि आपको उनको करना चाहिए? जैसे कि आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने आपसे खुद निमंत्रण दिया आपको इस बैठक में आने के लिए, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आप सीनियर समाजवादी पार्टी के नेता कहे जाते हैं, हालांकि प्रसपा अध्यक्ष हैं, तो क्या लगता है कि क्यों आपकी पार्टी इतना इग्नोर कर रही है और क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? राजनीतिक परिपक्वता न होने के कारण आप देखते चले जाए, एक से एक नेता दूरियां बनाता चला जा रहा, और हमको भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी अभी तक, जबकि मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर के और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे करके हमने चुनाव लड़ा था, तो तब भी हमें किसी न तो मीटिंग बुलाया जाता, न पार्टी की मीटिंग में, न विधानमंडल दल की मीटिंग में, न अभी तक सूचना मिली, अभी तक भी नहीं मिली है। हाँ, परसों जब यशवंत सिन्हा जी यहाँ पर थे, मैंने तब भी नहीं मिली है, तब भी आपने कहा कि आपको नहीं बुलाया गया। आपको लगता है कि जानबूझकर के पार्टी की तरफ से ये नजरअंदाज किया जा रहा है, या जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि राजनीतिक अपरिपक्वता है अखिलेश यादव जी में, इस वजह से? तो मुझे तो यही लग रहा है कि राजनीतिक परिपक्वता की कमी होने के कारण ये सब होता चला जा रहा है, और पार्टी कमजोर भी होती चली जा रही है, और सब लोग छोड़ते भी चले जा रहे हैं। तो ये सब कुछ राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण हो रहा है। तो आप कल जब परसों यहाँ पर आए थे, आपकी कोई, आपने अखिलेश जी को कभी कोई किसी को सुझाव दिया, कुछ आपने उनको बताने की कोशिश करी? क्योंकि आप तो लगातार प्रयास कर रहे थे, प्रयास के नतीजा था कि आप खुद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े। देखिए, जब हम समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे तो फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, तो हमसे सुझाव भी लेना चाहिए था, हमसे राय भी लेना चाहिए था, और जो हमारे प्रत्याशी मजबूत थे, सबको पता है कि हमने एक साल पहले 100 प्रत्याशियों को हरी झंडी दे दी थी कि आपको चुनाव लड़ना है, सभी तैयारियां थी, बूथ कमेटी से लेकर के सब तैयारियां थी, उसके बाद किसी को भी टिकट नहीं दिया, और अगर हमारे सुझाव माने गए होते और टिकट दिया गया होता हमारे सुझावों पर, तो आज उत्तर प्रदेश की और समाजवादी की स्थिति दूसरी तरह होती। आपको क्या लग रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी में, चूंकि एक बड़ा गठबंधन जो सुभाषा है, ओम प्रकाश राजभर, वो भी कल मुख्यमंत्री जी के इस डिनर में शामिल थे द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में जो आयोजित किया गया था, तो क्या समाजवादी पार्टी में एक और गठबंधन की टूट आप देख रहे हैं? वही राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण ये सब छोड़ते चले जा रहे हैं, जो भी गठबंधन बना था एक एक करके सब छोड़ते चले जा रहे हैं, तो वो राजनीतिक अपरिपक्वता है। राजभर जी के जाने को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो तो बहुत, अब उस बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, वो एक पार्टी के नेता हैं और मैं तो गठबंधन में था नहीं,
मैं तो गठबंधन में था नहीं, मैं तो समाजवादी पार्टी में था, तो इस वजह से मैं तो कुछ उस संबंध में नहीं। कल जो द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान में जो भोज था मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित किया गया, तो उसमें कौन कौन लोग थे आपके अलावा? देखिए, सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, संगठन के लोग भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, और भी जो नेता थे आपको पता ही है, ओम प्रकाश राजभर जी, राजा भैया, ये सब लोग। तो हम ये कह सकते हैं कि विपक्ष भी बहुत कुछ द्रौपदी मुर्मू के साथ में है। हाँ, थे, आपको पता ही है। तो आप एनडीए के प्रत्याशी की जीत को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि यशवंत सिन्हा आपकी पार्टी ने उनको समर्थन किया हुआ है? देखिए, हम इतना जानते हैं कि जहाँ हम वोट करेंगे वही राष्ट्रपति बनेगा। पहले भी बन रहा था, आपकी बात फिर बनेगा। पहले भी मैंने कहा था कि हम जहाँ वोट करेंगे वही राष्ट्रपति बनेगा। तो आपको लग रहा है कि किस तरीके का सम्मान आपको, कल आप जब गए तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के बुलावे पर आप खुद वहाँ गए, आपको खुद अपना एक बात का देखने की पीड़ा है कि पार्टी ने नजरअंदाज किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से आपको बुलाया, किस तरीके का सम्मान आपको मिला? देखिए, मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं गया था, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, वहाँ मुख्यमंत्री जी की तरफ से सीनियर अधिकारियों ने मुझे रिसीव किया और मुख्यमंत्री जी आए तो मुख्यमंत्री जी ने मुझसे अच्छी तरह से बात की है और बात करी है, और जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू उनसे भी मेरा परिचय कराया, और फिर सब लोग डिनर में साथ साथ रहे। तो फिर हमने सोचा कि भाई यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है, इसलिए मैंने तय किया है कि द्रौपदी मुर्मू को ही हम अपना वोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। हम कह सकते हैं सीनियर लीडर के नाते अधिक सम्मान की बात होती है, क्योंकि आप खुद बहुत सीनियर हैं, कोई पार्टी आपके लिए कोई बहुत बैरियर नहीं है, तो एक सम्मान नहीं मिलना एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है जो आपको एनडीए की तरफ से मिला? चलिए, सम्मान मिला और मिलना चाहिए है? जो अपने घर में हम कह सकते हैं आपको नहीं मिला। हाँ, बात सही है, घर में कोई बात न करे है? जबकि मैंने समाजवादी पार्टी को बनाने में नेताजी का हमेशा छाए की तरह से मैंने उनका साथ दिया है, और कई बार सरकारें गिरा करके बनाई भी हैं, सरकारें बनाई भी हैं, उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी में कोई बुलावा भी न दे, कोई पूछे नहीं, कोई बात न करे, तो फिर वहाँ जाना मेरा ठीक नहीं। क्या भविष्य देखते हैं आप समाजवादी पार्टी का? अब तो समय बता देगा, और जो सब लोग देख रहे हैं, अब मैं क्या बता दूँ, सब लोग देख ही रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नेताजी को कहीं इंटरवीन करना चाहिए, कि आप लोगों ने इतनी मेहनत से जो पार्टी खड़ी की थी वो फिर एक और बहुत बड़े बिखराव की तरफ जा रही है? अब नेताजी को अगर पूछा जाता, हमको पूछा जाता, हम सुझाव माने जाते, तो आज प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही सरकार होती।